नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल फार्मेसी शिक्षा पर। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे देश में एक अचानक शोक की लहर फैल गई है कि हम लोगों के दिग्गज अभिनेता राजनीति के दौर में एक दिग्गज अभिनेता कह सकते हैं, एक एक्टर कह सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा सच्चाई और सत्य के पथ पर चलते हुए लोगों की भलाई की और कई सारे ऐसे काम किए जिनसे लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, जिनकी अभी आज ही 10 तारीख को 2022 में उनकी डेथ हो गई है। तो ये खबर सुनने के बाद लगभग सभी लोगों का हृदय एकदम शोक से व्याकुल होता और लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग ये हो कैसे सकता है। तो लेकिन अब जो भगवान की इच्छा थी वो होकर रहा। तो चलिए मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कौन संघर्ष करके अपनी पार्टी खड़ी की, समाजवादी पार्टी, और किस तरीके से लोगों को जोड़कर वे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और भारत के 1 बार डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री का कार्य भी संभाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि उनके कुछ जीवन के पहलू के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने राजनीति करियर की शुरुआत कब से की और उनके राजनीति गुरु कौन कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। यदि आप मुलायम सिंह को मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके कर्तव्य और निष्ठा का जो उन्होंने कार्य किया उसको मानते हैं, तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगता है वीडियो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी रहेगी, तो हम अगले पार्ट में उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मुलायम सिंह यादव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 22 नवंबर 1939 यानी 22 नवंबर 1939 को इटावा में हुआ था, जो मैनपुरी इटावा है वहाँ पर ही इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता जो थे वो पहलवान, जो उनके पिता थे वो पहलवानी में ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो इसलिए वो मुलायम सिंह को बड़े होकर पहलवान बनाना चाहते थे और मुलायम सिंह की भी रुचि थी जिससे वो पहलवानी में आगे बढ़ना चाहते थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, इनका जन्म हुआ और धीरे धीरे ये बड़े होते गए। तो इनके जो ब्रदर्स सिस्टर्स थे वो 5 लोग थे, 5 लोग में मुलायम सिंह भी आते थे। और इनके जो चाचा थे, चचेरे भाई, वो रामगोपाल यादव जी थे जो प्रोफेसर थे। ठीक है दोस्तों, तो उनसे भी मुलायम सिंह यादव का जो लगाव था बहुत ज़्यादा ही था। और इनके पिता सुघर सिंह जो थे, इनके पिताजी का नाम था माननीय सुघर सिंह जी, तो वे इन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन वे पिता के वचनों में बंधे हुए थे, इससे वे पहलवानी के लिए आगे बढ़ गए और धीरे धीरे करके इन्होंने पहलवानी में अपना कदम रखना शुरू कर दिया। और चलिए जानते हैं इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई। राजनीतिक करियर की शुरुआत इनके, एक बार ये मैनपुरी में ही कुश्ती प्रतियोगिता चल रही थी, तो वहाँ पर ये कुश्ती कर रहे थे, तो वहाँ के अतिथि थे नत्थू सिंह, जो एक जाने माने नेता थे नत्थू सिंह। उन्होंने इनको देखा और मुलायम सिंह यादव ने इन्हें अपनी कुश्ती से प्रभावित कर दिया, तो उन्होंने पहली बार ही मैनपुरी में जो कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो इन्होंने वहीं से इनको राजनीतिक गुरु मान लिया अपने नत्थू सिंह जी को, और वहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी। और इनकी जो स्कूलिंग थी, जो एजुकेशन था इनका, कहाँ कहाँ से हुआ। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से
राजनीति शास्त्र में जो था, राजनीति शास्त्र में इन्होंने एमए किया था, ठीक है। तो और बीटी करने के पश्चात ये इंटर कॉलेज में एक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए थे, जिसे ये बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे। और धीरे धीरे समय जब बीतता गया तो इनकी रुचि राजनीति की तरफ ज्यादा बढ़ने लगी। अब दो जगहों पर काम करने से गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, टीचर भी थे, और राजनीति में भी इनका इंटरेस्ट था। तो इन्होंने क्या किया कि राजनीति से आगे बढ़ने के लिए, राजनीति में इन्होंने शिक्षा विभाग से, जो टीचर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया राजनीति विभाग से। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने सारा ध्यान अपनी राजनीति पे ही एकाग्र कर दिया। और जब ये बहुत प्रयासों के बाद ये कई सारे काम इन्होंने कर दिए कि जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत सारे कार्य किए। और राम सेवक यादव जी के नाम सुना होगा, परिचित नाम है राम सेवक यादव जी, इनके ये शिष्य भी बने। तथा 1968 में यानी 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री भी बने। यानी उसी समय ये विधानसभा के सदस्य भी चुने गए और उसी समय ये मंत्री पद भी संभाला, ठीक है। और फिर उन्होंने 1992 में यानी 1992 ईस्वी में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है। पार्टी बनाने के बाद पार्टी इतनी, अब नई नई पार्टी बनी थी तो इतना वर्चस्व था नहीं, लोगों को जोड़ना, लोगों को मिलाना और लोगों से बात करना, लोगों के प्रति काम करना, ये सारी रुचि जो थी मुलायम सिंह यादव धीरे 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 करते करते लोगों के दिलों पर अपना कब्जा जमाते चले गए। कहीं किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, कहीं किसी अन्य पार्टी में सहयोग किया या कई लोगों का सहयोग किया, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने बहुत सारे काम कर दिए थे, जिनमें रामगोपाल यादव जी थे, माफ करिएगा, राम सेवक यादव जी थे। तो इन्होंने उनका बहुत साथ दिया पार्टी के वर्कर्स, काम करने वालों के लिए। तो कई लोगों को जोड़कर ये पार्टी एक विश्वसनीय पार्टी के रूप में आगे बढ़ गई। और जब ये पार्टी पूर्णतया मजबूत हो गई तो ये 3 बार उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में चयन हुआ। पहला हुआ था 5 दिसंबर 1989, ठीक है। पहला हुआ था मुख्यमंत्री, जब अन्य पार्टी के सहयोग से इनकी बने तो पहला हो गया था 5 दिसंबर 1989। फिर उसके बाद आ गया 24 जनवरी 1991, 2 बार हुए, और तीसरी बार 5 दिसंबर 1993, 3 जुलाई 1996 और 29 अगस्त 2003 से मई 2007 तक मुख्यमंत्री पद को इन्होंने संभाला था। 2012 में जब पार्टी धीरे धीरे ये मुलायम सिंह यादव अपना आधिपत्य जमाते गए तो 2012 में इन्हें पूर्ण बहुमत के साथ, जो सपा पार्टी थी एसपी, तो ये पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो गए और इन्होंने अपनी सरकार बनाई। और सरकार में 2012 में कार्यकाल इनका 5 साल तक चला, लेकिन जो अखिलेश यादव थे इनके बेटे, तो उनको इन्होंने मुख्यमंत्री पद की जो कमान थी उसे अखिलेश यादव जी को संभालने को दे दिया। उन्होंने बहुत सारे काम किए। और ये जो मुलायम सिंह यादव थे, ये अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई इन्होंने हंस के और लोगों की मदद करके पार की। तो इन्होंने जितने भी काम किए ऐसे ऐसे काम किए कि लोग आज तक भी इन्हें याद करते हैं। और ये एक फैक्ट और इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हुए थे जिन्हें लंदन में मेंबर्स ऑफ जूरी के अवार्ड से नवाजा गया था। मुलायम सिंह यादव को जूरी मेंबर्स के रूप में पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और धीरे धीरे करते करते, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब अखिलेश यादव ने कमान संभाली उसके बाद अखिलेश यादव ने अपना आधिपत्य पार्टी पे जमाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि पिता की संपत्ति पे बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन उस पर भी इन्होंने कोई नाराजगी नहीं
जताई। फिर पार्टी की ये अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फिर इन्होंने, अखिलेश यादव ने, अब इनके घर का मामला क्या कह सकते हैं, लेकिन ये सुनने में आया था कि इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दबाव के कारण या अखिलेश यादव के दबाव के कारण इन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। और फिर धीरे धीरे इनकी रुचि राजनीति से कम होने लगी और यही लगभग 2018-19 के बाद इन्होंने प्रचार प्रसार में भी जाना कम कर दिया था, क्योंकि इनकी जो तबीयत थी वो लगभग 2018-19 के बाद से ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, जिससे इन्हें प्रचार प्रसार में बहुत कम लोग देखते थे। लेकिन जहाँ पर भी अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे, वो उनका बिना जिक्र किए किसी भी सभा को संबोधित नहीं करते थे, क्योंकि उनका अधिपत्य मुलायम सिंह जी का बहुत ही जनता के दिलों में बहुत ही बैठ गया था, जिससे लोग उनके नाम से प्यार करने लगे थे। फिर एक खबर ये भी उठी थी कि मुलायम सिंह यादव भाजपा की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि एक भाषण आप लोगों ने शायद सुना हो, तो मुलायम सिंह यादव जी ने सभा में कहा था मोदी जी को कि मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप हमेशा इसी कुर्सी पर बैठे रहें और हर साल, हर 5 साल पर आप इसी कुर्सी पर बैठते रहें, जिसके चलते उस पर बहुत सारा बवाल भी हुआ था, तो इसको आप देख सकते हैं मेरे ऊपर बना हुआ है। तो कई सारे पेचीदा सवाल उनके राजनीतिक करियर के उठे, लेकिन उन्होंने सब सवालों को, जितने भी सवाल थे उनको एक तरफ रखते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने में हमेशा अपना योगदान दिया। एक अच्छे राजनीतिक नेता की भी यही मिसाल होती है कि वे लोगों के प्रति क्या रुझान रखते हैं, क्या उनके एम है, कैसे जनता को समझाना है, कैसे उनके दुखों को दूर करना है। एक अच्छे मुख्यमंत्री होने की यही सलाह होती है। तो इन्होंने बहुत सारे कार्य करने के पश्चात जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इन्हें मेदांता में इन्हें भर्ती करा दिया गया। और बीच में अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि इनकी डेथ हो गई है, लेकिन कोई सच्चाई नहीं थी तो इसलिए मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जब सभी न्यूज़, सभी सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा कि मुलायम सिंह यादव की डेथ हो गई है, तो मैंने जाके चेक किया तो उसको पता चला कि हाँ, सच में हमारे नेता की डेथ हो गई है। तो किसी नेता के प्रति, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राजा भैया हो, या चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, कोई भी हो, उनको लेकर वो हमेशा कभी भी विवादित बयान नहीं देते। लेकिन कई सारे विवादित बयान भी इनके आए थे, जिस पर लोगों ने कई सारी आपत्तियां दायर की, FIR भी हुआ, कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने तलब तक कर दिया। एक इन्होंने, और लोगों का, अब मैंने पढ़ा ही है, मैंने देखा तो है नहीं, एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि जो गोलीकांड हुआ था अयोध्या में कार सेवकों पर, इन्हीं के आदेश पे हुआ था, तो इसका मैं कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा मीडिया में चला था कि इन्हीं के आदेश पर कराया गया था। तो मैं इसका कोई सूत्रधार नहीं था, लेकिन मैंने जो पढ़ा मैंने आपको बताया। कई सारे विवादित बयान दिए और एक ये भी बयान था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार हो गया तो उन्हें क्या फांसी दे दी जाएगी। तो इस तरीके के कई विवादित बयान दिए, जिसमें कोर्ट ने इन्हें तलब भी किया था और सफाई भी उतनी दी थी, उसके बाद ये बरी भी कर दिए गए थे। लेकिन जब से वो, उनकी तबीयत खराब हुई या किसी कारणवश वो आगे नहीं जा पाए, तो उन्होंने कई सारे अच्छे लोगों के प्रति काम किए, फिर भी उन्होंने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। जब उन्हें लगा कि पार्टी टूट रही है, परिवार टूट रहा है, तो उन्होंने अखिलेश यादव को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और इसी के चलते धीरे धीरे उनके परिवार में दूरियां आ गई और अपर्णा यादव BJP में शामिल हो गई, जिससे दूरियां बढ़ती चली गई, जिससे मुलायम सिंह यादव को बहुत प्रतिघात साबित हुआ और धीरे धीरे इन्हीं कारणों की वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। और आज खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। तो आज 10 अक्टूबर
हम लोगों के लिए बहुत ही अशांतपूर्ण रहा है, बहुत ही हृदय घात हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि आखिर मुलायम सिंह यादव किस तरीके के नेता थे और कैसे उन्होंने अपना करियर शुरू किया और किस तरीके से राजनीति में अपनी पहल जमाई और किस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किया। इस महान नेता के रूप के मृत्यु के बारे में सुन के पूरा देश सदमे में है। तो ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे नेता और ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व वाले लोगों को भगवान पुनः धरती पर जल्दी भेजे, जिससे उनके अनुयायियों और उनके चाहने वालों और उनके फैंस जो थे उन्हें फिर से आगे बढ़ने की कैपेसिटी मिले, क्षमता मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये था मुलायम सिंह यादव का इतिहास, जिस पर कुछ झलक मैंने डाली और वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए एक बात शॉर्ट फॉर्म में बोले तो कि राजनीति कोई भी करता है, लेकिन राजनीति में कभी मतभेद नहीं होना चाहिए कि जनता वो मुस्लिम है वो हिंदू है, हम उसके लिए काम करेंगे, हम हिंदू के लिए काम करेंगे, हम मुस्लिम के लिए काम करेंगे, हम सिख के लिए काम करेंगे, हम ईसाई के लिए काम करेंगे, ये राजनेता के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये जिस दिन हो गया तो पार्टी और नेता दोनों विवादित हो जाएंगे और धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं सभी जो अभिभावक हैं या जो भी अपने आप को राजनीति में सफल बनाना चाहते हैं, वो हमेशा जनता को साथ लेके चले और जनता के प्रति अपना जो नेता होता है उसके लिए जनता ना तो हिंदू होती है, ना तो मुस्लिम होती है, ना ही सिख और ना ही ईसाई, उसके लिए केवल जनता एक है, वही उसको जाके बिठाती है, तो आप जाके वहाँ पे राज करते हैं। तो जनता के प्रति अपना व्यवहार बदलिए और सभी नेताओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि राजनीति को छोड़कर जाके उनके परिवार को, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये कष्ट सहने की क्षमता दे और उससे जल्द से जल्द बाहर निकलने की क्षमता प्रदान करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप मुलायम सिंह या उनके परिवार को शांति देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।